ये बदलते भारत की तस्वीर है। हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े। মানবতা বড় ধর্ম, সবার আগে দেশ। প্রাণ প্রতিষ্ঠাতে উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করলেন ইমাম ওমর আহমেদ। উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে উদ্বোধন হয়েছে রাম মন্দিরের, সেই নিয়ে দেশ জুড়ে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা গতকাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাম মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ডক্টর ইমাম ওমর আহমেদ ইলিয়াসিও। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত হয়ে দেশবাসীকে কি বার্তা দিয়েছেন ইমাম ওমর আহমেদ, শুনে নিন। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे। मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है।